वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वर्सेस वीडियो. इस बार मैं कंपेयर करने वाली हूँ टू क्लिनजिंग बाम. वन इज फ्रॉम क्लिनिक टेक द डे ऑफ बाम विच इज मोस्ट हाइप प्रोडक्ट एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव द अर्स रिदम का द क्लिनजिंग बाम विद प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट. नाउ इन दोनों के इंडिविजुअल रिव्यू गाइज ऑलरेडी चैनल पे हैं. आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स टुडे. आई एम जस्ट गोना डू अ लाइव डेमो एंड विल गोना सी कि इनमें से कौन सा है जो ज़्यादा अच्छे से मेकअप को रिमूव करता है. सो आई एम नॉट गोना कंपेयर दीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्ग्रीडियंट्स. आई एम गोना ओनली यू नो टेस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ द कंसिस्टेंसी एंड हाउ वेल दे मेल्ट एंड अमल्सिफाई एंड कितने अच्छे से रिमूव करते हैं मेकअप को. नाउ लेट्स डाइव राइट इन द डेमो पार्ट. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक अ मोमेंट टू हिट ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एज वेल सो यू नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियोज. एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मेरे इंस्टाग्राम देन कम एंड से हाई एंड लेट्स बी फ्रेंड्स देयर एज वेल. Now without wasting a minute, let's get started. Alright guys, so I have tied my hairs up and now I'm gonna remove my makeup so you can have a look. I have this waterproof liner and waterproof mascara on and there is this Maybelline ka gel kajal and this liquid lipstick from Nykaa and that's the condition of my face right now. So on this side I'm gonna use the Clinique and on the other side I'm gonna use the अर्थ रिदम का क्लेंजिंग बाम. सो लेट्स सी कि ये कैसे मेकअप को रिमूव करते हैं. आपने वैसे इनका इंडिविजुअल रिव्यू देखा होगा और इंडिविजुअल आपने इनके डेमोज भी देखे हैं, बट साइड बाय साइड देखना थोड़ा सा अलग होता है. सो लेट्स सी कि हाउ दे आर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द कंसिस्टेंसीज ऑफ दीज. यू कैन सी ये थोड़ा ज़्यादा वाइट कलर का है, ये हल्का सा येलोइश टोन है इसके अंदर. एंड आप देख सकते हो मैंने इसको काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया है, यहाँ से बिल्कुल नीचे तक पहुँच गया है. एंड ये मैंने आई थिंक एक बार जब डेमो किया तो तब यूज़ किया है एंड उसके बाद मैंने एक और बार इसको यूज़ किया था टू सी कि पूरा डेली का जो मेकअप है उसको कैसे ये रिमूव करता है. सो दोज वर द कंसिस्टेंसी ऑफ दीज टू. सो आई एम गोना टेक लिटल बिट एंड आई एम गोना अप्लाई ऑन दिस साइड राइट दिस मच. And I think last time थोड़ा ज़्यादा लगा था for the eye makeup, so I'm gonna put a little bit on here to just emulsify my eyes. And I think that's sufficient for the face, on I think half of the face. And on the other side, I'm gonna apply this one. I have wiped my finger off. There's nothing on this. So oh my god, look at this. This both of them feels pretty much similar. See, this is also very very lightweighted. So बराबर लेना है ना. ओके सही है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था. सो देखेंगे अगर नहीं होगा तो विल टेक लिटिल बिट मोर, बट आई थिंक दिस मच इज सफिशियंट. ये मैंने इक्वल क्वान्टिटीज ली हैं दोनों साइड पे, कोई यहाँ मतभेद नहीं हुआ इन दोनों के बीच में. एंड नाउ लेट्स सी कि कितने अच्छे से रिमूव होंगे. सो फर्स्ट लेट्स सी दिस वन. ओके इट मेल्ट्स ब्यूटिफुली. And this one as well. Okay. So अभी साथ के साथ जब use कर रही हूँ मैं, so both feel same यार. Oh. They both feel same. I don't see any difference, man. बिल्कुल सेम है. ओके ये आईज का आईज वाला इस पे आ गया. ओके सो फेस, एक्चुअली मैंने ज़्यादा कुछ फेस पे लगाया नहीं है, थोड़ा सा कंसीलर लगाया था एंड फाउंडेशन नहीं थी, मेरा सनस्क्रीन था. ओके गाइज मैं साथ के साथ कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लाइक मिक्स नहीं करना चाहती मैं. सो आप देख सकते हो कि साथ के साथ दोनों चीज़ें हैं तो आपको साथ के साथ कंपेरिजन हो जाएगा इन दोनों का. एंड नाउ लेट्स सी आईज पे कितना अच्छे से इफेक्ट होता है. ओके टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज ये दोनों ही ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं. आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि यू नो ये अर्थ रिदम वाला थोड़ा थिक है, इट्स वेरी हार्ड टू गेट रीड ऑफ योर मेकअप, बट
पहले यू नो मुझे भी लगा था शायद कि ये वाला ज़्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू क्लिनिक वन, बट वेन यू आर यूजिंग देम साइड बाई साइड, ओ माई गॉड, दे बोथ फील सेम, ट्रस्ट मी, दे बोथ लुक सेम, दे बोथ फील सेम. ओके, एंड अगर आपने मेरा क्लिनिक वाले का डेमो देखा है तो आपको पता होगा कि उसमें जब मैंने इसको इमल्सीफाई किया था तो मेरे आंखों के आगे वाइट फिल्म जम गई थी और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था. सो इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा अराउंड माय आईज, बिकॉज व्हेन यू डूइंग दिस ना तब नहीं आपको फील हो रहा, लेकिन वंस यू इमल्सीफाई दीज, आई मीन पर्टिकुलरली दिस वन, सो ओ माई गॉड, आईज मेरा मेरे को लगने लग जाएगा ये. सो गाइज यू कैन सी, आप देख पा रहे हो कि किसने अच्छा किया और किसने नहीं किया, बिकॉज मैं इनको साथ साथ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कितना टाइम किस में लग रहा है. तो साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा ना, बिकॉज ऐसे अलग अलग से करेंगे तो पता नहीं चलेगा कितने टाइम में किसने क्या किया. राइट, सो आई थिंक आई एम डन. राइट, तो आप देख सकते हो सारा मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव हो गया है. सो नाउ लेट्स इमल्सीफाई दीज. वेयर इज माय मग्गा? ओके, यू कैन सी गाइज दे बोथ इमल्सीफाई रियली रियली वेल, देयर इज नो डिफरेंस. Where is my cotton puff? So I'm gonna remove with this. You see, इस साइड पर बिल्कुल वाइट वाइट नहीं मुझे फील हो रहा, बस थोड़ा सा आई में स्टिंग कर रहा है. एंड दिस गाय राइट हेयर, इट्स फॉर्मिंग अ फिल्म ऑन माई आईज, वाइट कलर फिल्म काइंड ऑफ थिंग, जो लास्ट टाइम हुआ था वही उस टाइप का कुछ. On this side, you see, इस साइड जरूरत ही नहीं है वैसे तो. All right, so now you can see दोनों साइड परफेक्टली मेकअप रिमूव हुआ है. You can't say कि कौन सी साइड क्लिनिक है एंड कौन सी साइड अर्थ रिदम है. इसको मैंने क्लीन कर लिया है एंड वन मोर टाइम गोना वाइप इट ऑफ. You see, देर इज नथिंग इज लेफ्ट. वाटर लाइन का काजल निकल चुका है दोनों साइड का एंड बहुत अच्छे से सारा मेकअप रिमूव हो गया है. एंड फील की बात करूँ गाइज, आई एम नॉट फीलिंग एनी डिफरेंस. दोनों साइड इक्वली मॉइस्चराइज लग रही हैं. सो आई एम गोना वॉश माई फेस विद अ जेंटल क्लेंजर एंड देन आई विल गेट बैक टू यू गाइज. सो आई एम बैक आफ्टर वॉशिंग माई फेस एंड यू कैन सी फेस इज लुकिंग प्रीटी मच क्लीन. एंड दो मैंने किसी फॉर्मिंग क्लेंजर से नहीं वॉश किया है, आई हैव यूज माई दिस फॉरेस्ट एसेंशियल का जेंटल क्लेंजर, डेलिकेट फेशियल क्लेंजर. एंड ओ माई गॉड, देर इज नो डिफरेंस एट ऑल. डू यू गाइस सी एनी डिफरेंस? आई मीन देर इज नथिंग इज लेफ्ट ऑन द फेस ऑन बोथ ऑफ द साइड एंड दोनों साइड्स बहुत अच्छे से क्लीन हुई हैं गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई थिंक आई हैव वेस्टेड माई मनी ऑन दिस वन, लाइक 890 रुपीज फॉर 30 ml ऑफ प्रोडक्ट. आई मीन दिस गाय राइट हेयर वर्क्स वंडरफुली एग्जैक्टली लाइक दिस वन, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. ये मैं पहले नहीं बोल सकती थी जब मैंने इसका रिव्यू किया था, इसका डेमो किया था, बिकॉज साथ के साथ जब आप करते हो तब आपको ज़्यादा पता चलता है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है और कौन सा कैसा है. लाइक जब तक आप साथ के साथ में दोनों चीज़ें यूज़ करोगे आपको नहीं पता चलेगा. इंडिविजुअली आप अलग अलग से यूज़ करोगे, लाइक पहले इसको एंड देन इसको, देन आपको शायद लगेगा कि ये ज़्यादा बेटर है बिकॉज ये लाइट कंसिस्टेंसी है. बट गाइज आज आपने देख लिया सामने, दोनों इक्वली वंडरफुल हैं, ये भी और ये भी.
like price for this one is bit on a higher side. So I think जब आपको 100 ग्राम की क्वांटिटी मिल रही है इन जस्ट 700 रुपीज एंड या गाइज दे हैव इंक्रीज द प्राइज ऑफ दिस वन. लाइक जिस टाइम मैंने इसको लिया था एट द प्राइज 649 समथिंग, बट ये जो मुझे रिसीव हुई थी पैकेजिंग इस पे 599 था जो इनके पहले के प्राइजेस थे. एंड जब इसके रिव्यू पे भी मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि देर इज सम ग्लिच, तो व्हेन आई हैव कॉन्टेक्टेड देम एंड देन दे सेड कि इट्स अ एरर ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, बिकॉज आपको पता है मैन पावर बहुत कम है एंड उसकी वजह से ये जो पुरानी पैकेजिंग्स हैं ये चली गई हैं काफ़ी सारे लोगों को. तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है तो आप उनको मेल कर सकते हो विद योर ऑर्डर आईडी एंड ऑल एंड दे विल गोना गिव यू 100 रुपीज़ का कूपन कोड एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं एंड देन ऑफ कोर्स जो भी आपको लेना है आप उससे ले सकते हो. बट यस, अब उन्होंने जो प्राइस किया है वो आई थिंक 749 है या 725 रुपीज़ है. मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगी जो भी प्राइस है. सो नाउ दे हैव इंक्रीज द प्राइस, बट स्टिल गाइज 735 या 725 या 750 भी है, स्टिल यू आर गेटिंग 100 ml ऑफ प्रोडक्ट इन दिस वन. एंड यहाँ आपको मिल रहा है 890 रुपीज़ में जस्ट 30 ml ऑफ प्रोडक्ट. सो यू कैन सी कि कितना ह्यूज डिफरेंस है. सो आई थिंक काम दोनों बिल्कुल सेम कर रहे हैं, हर चीज़ एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स. लाइक इसके इन्ग्रीडियंट्स अलग हैं, इसके इन्ग्रीडियंट्स अलग हैं, बट आई थिंक काम दोनों परफेक्टली कर रहे हैं. जो इनका बेसिक काम है वो दोनों बहुत अच्छे से कर रहे हैं. सो आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर दिस वन, यू शुड डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस वन आउट. आई नो कुछ लोगों को ये थोड़ा हार्ड लगता है, बट आई डोंट नो क्यों वाई दैट हैज हैपेंड. बट मेरा वाला देखो परफेक्टली मेल्ट होता है एंड इट इज़ लाइक बटर और घी और बहुत स्मूथ है एंड बहुत सॉफ्ट है. यू हैव सीन द डेमो, आई डोंट नीड टू लाई. सो या दैट वॉज माई टेक ऑन दीज टू. आई विल रिकमेंड दिस, नॉट दिस वन. Is it guys, that's all. I hope you found this video helpful. Video helpful लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लीजिएगा. मिलती हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.